हैदराबादी स्टफ मिर्ची भजिया खाने में बहुत ही टेस्टी और ईजी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह बड़ी वाली मिर्ची लेनी है और बीच में से कट करके उसके अंदर के सीड्स पूरे निकाल लेनी है, अदरवाइज ये बहुत ही तीखा लगता है। तो सीड्स निकाल के इसे नॉर्मल नमक वाले पानी में 5 मिनट तक भिगो के रखना है। उसके बाद पूरे मिर्ची को निकाल के सुखा लेना है, ड्राई कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने सिंगदाना लिया हुआ है, रोस्टेड सिंगदाना 1 कप, जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट स्वाद अनुसार, इमली का पल्प 2 चम्मच, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसे रफली ग्राइंड करना है। देखिए इस तरह से ग्राइंड करना है पाउडर को। अब इस मिर्ची के अंदर हमें ये पाउडर भरना है। देखिए इस तरह से पाउडर अंदर भर के प्रेस करते हुए भरना है ताकि ये बाहर निकले ना, और साइड से दोनों तरह से दबा देनी है। देखिए उसी तरह सारे मिर्ची जो है हमें सेम वही प्रोसेस करना है और अच्छे से दबाना है। सिंगदाना का पाउडर जो स्टफ है वो अंदर भरने के बाद अच्छे से दबाना है, अदरवाइज वो पूरा पाउडर जो है बाहर निकल के आ जाता है। तो इस तरह से हमने पूरे मिर्ची भर लिया है, ये रेडी हो चुका है। अब हमें इसे फ्राई करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 कप मैंने बेसन लिया हुआ है, तो 10-12 मिर्ची के लिए 2 कप बेसन हो जाएगा। और उसके अंदर हमें नमक मिलाना है स्वाद अनुसार। ऑलरेडी हमने मिर्ची के अंदर नमक डाला है तो इसमें भी हमें कम ही डालना है। और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। एक ही बार पानी मत डालिए, अदरवाइज ये बहुत पतला हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे बिस्कर से भी मिक्स कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतला नहीं चाहिए ना ही ज़्यादा थिक चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि गुठलियाँ ना आ जाए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो थोड़ा सा उसमें बेसन डाल के देख लीजिए कि तेल गरम हुआ कि नहीं। तो मिर्ची को लेके इस तरह से डुबा के सीधा पकड़ना है ताकि एक्स्ट्रा जो भी बेसन है वो नीचे स्लाइड हो जाए। तो देखिए इस तरह से मिर्ची को डुबा के सीधा पकड़ते हुए आपको तेल में छोड़ देनी है। तो जितना मिर्ची के भजिया कढ़ाई में आ सकते हो उतना ही डालिए। तो यहाँ पे मैं 4 डाल रही हूँ। और इसे गोल्डन कलर आए तब तक फ्राई कर लेनी है, अच्छे से पलट कर उसे दोनों साइड से गोल्डन कलर आए तब तक फ्राई कर लेनी है। और धीमी आंच पे फ्राई करनी है ताकि जो मिर्ची अंदर है उस वो भी पकना चाहिए। तो धीमी आंच पे इसे करीब 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए ये फ्राई हो रहा है मिर्ची, अच्छे से पलट पलट के इसे दोनों तरफ से हमें फ्राई कर लेनी है। और ये हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं। देखिए इसी तरह से हमें सारे मिर्चियाँ जो है फ्राई कर लेनी है। यहाँ पे मैं और एक बार दिखा रही हूँ मिर्ची कैसे डालनी है। आपको बेसन के अंदर डुबा के सीधा पकड़ना है ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो निकल जाए, अदरवाइज जो ऊपर का लेयर होता है बेसन का वो बहुत ही मोटा आ जाता है, खाने में उतना स्वाद नहीं लगता है। सो आपको सीधा पकड़ के ही डालना है कढ़ाई के अंदर। सो इसी तरह से मैं सारे मिर्ची के भजिया जो है बना लूँगी।
देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरा रंग आने तक फ्राई कर लेना है। तो ये हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। तो हमारे जो मिर्ची भजिया हैं वो रेडी हो चुका है, अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं प्लेट में रख रही हूँ, आप इसे कोई भी सॉस या केचप के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं टमाटर केचप सर्व कर रही हूँ। तो ये रहा हमारे हैदराबादी स्टफ़ मिर्ची भजी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। देखिए अंदर से भी पूरा पक चुका है, बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।